मॉनसून के दौरान जहां हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बरसाती नाले उफान पर हैं, तो वहीं जगह जगह लैंडस्लाइड के मामले भी सामने आते नजर आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से आलम यह है कि देवभूमि की नदियां व झीलों का जल स्तर बढ़ गया है, तो साथ ही इन बरसातों का असर अब पहाड़ों पर बनने वाले रिहायशी मकानों में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मकानों के नीचे से मिट्टी दबने के चलते मकानों में दरार आ जा रही है। ऐसी ही घटना बिलासपुर जिला के स्वारघाट उपमंडल व नालागढ़ सीमा के साथ लगते कुंडलू पंचायत की है, जहां भारी बरसात का सितम एक परिवार पर ऐसा पड़ा कि उन्हें डर के साए में जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। प्रीतु राम व बग्गा राम को स्वच्छ भारत मिशन के तहत मकान बनाने के लिए 12,000 रुपए स्वीकृत हुए थे और उनका मकान बनकर भी तैयार हो गया था, मगर भारी बरसात के चलते इन मकानों के नीचे मिट्टी धंसना शुरू हो गई, जिससे इनके मकानों में दरार आ गई है और कभी भी ये मकान गिर सकते हैं। इन पीड़ित परिवारों के लोगों को हमेशा यही डर सता रहा है कि अगर दोबारा बरसात होती है तो इनके घर गिर सकते हैं, जिसके डर से इन लोगों को मजबूर होकर अपने घरों के बाहर समय बिताना पड़ रहा है और कोई भी इनकी सुध नहीं ले रहा है। पीड़ित परिवार के सदस्यों की माने तो इन घरों में 6 परिवार के लगभग 20 से 25 सदस्य हैं और बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते उनके घरों में दरारें पड़ गई हैं और रोजाना उनका घर धीरे धीरे नीचे धंस रहा है, जिससे किसी बड़े हादसे के डर उन्हें सता रहे हैं। वहीं अपने घरों से बेघर इन लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से उन्हें राहत के तौर पर केवल तरपाल दिया गया है, जिससे उनका गुजारा करना असंभव है। साथ ही इन लोगों ने प्रदेश सरकार से इस संकट की घड़ी में आर्थिक मदद की भी गुहार लगाई है। सरदी देवी नाम है मेरा, और जितने भी मकान है उनको सारे को दरबारा आ चुकी है, और जो पूरी एन एच की है उसको हमने बहुत बंद कराया, उसने जबरदस्ती धक्के नाल रोड वाले ने हमारे ऊपर तो पा दी थी, और इतना नुकसान इस पुली से हमारे मकानों को आ गया, जमीन भी बर्बाद हो चुकी है। ठेकेदार ने भी मेरे को धमकी दिया आके, हमने मैं अपनी मेरी बहू चंडीगढ़ बीमार थी उस टाइम आई, मेरे को कहता जुर्माना भरने पड़ेगा आपको।